भारत के दार्शनिक दर्शन की बात करना चाहूंगा। मुंबई की पृष्ठभूमि हमारे पास है, आघातों की, पीड़ा की, मगर भारत आक्रांताओं की आखेट भूमि भी रहा है। हमारा इन आक्रमणों के बारे में क्या सोच है, समझ है, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी है, मगर हमारी जो ज्ञान परंपरा है, दर्शन परंपरा है, वो इन आक्रमणों को कैसे देखती है और इसका उत्तर कहाँ छिपा है? पहले हम इस पर आपसे खुलकर बात हो, एक आप बोले, फिर बाद में हम जनता के प्रश्नों को स्वर देने का प्रयास मैं करूंगा। नमस्ते भारत। रतन जी मेरे पुराने मालिक के यहाँ बैठे हैं। मैं सबसे पहले एक प्रस्ताव रखूंगा कि हितेश को प्रतिबंधित किया जाए प्रशंसा करने के लिए। और मैं इसलिए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखना चाहता हूं, वो इसलिए कि आज हम लोग संकल्प के लिए आए, और ये संकल्प रुदन के साथ, निराशा के साथ नहीं होना चाहिए। जिन्होंने बलिदान दिया है मुंबई के लिए, भारत के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उनको लगना चाहिए कि मुंबई वासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मैं हितेश के प्रश्न पर आता हूं कि हितेश, आक्रमण का भारत का इतिहास बहुत पुराना रहा है। क्या मेसिडोनिया यानी अलेक्जेंडर, मेसिडोनिया से भारत आता है, क्या वो पहला आक्रमण है? उसके बाद 712 या 715 जिसको हम पहला इस्लामिक आक्रमण कह सकते हैं, 17 साल का एक युवक आता है सिंध में, उस समय दाहिर सम्राट हैं। और उसके बाद 1191 1191 1192, और उसके बाद निरंतर। मजेदार बात यह है कि कल मैं लाचित बरफुकन की 400वीं स्मृति के लिए दिल्ली गया हुआ था, और वहां एक प्रश्न उठा कि हमें समस्या किससे है, इन आक्रमणों से भारत पर क्या अंतर पड़ा। एक बड़ी मजेदार बात एक वक्ता ने कही कि भारत को तब तक अंतर नहीं पड़ा जब तक आपने उसकी आस्था को, उसके विश्वास को, उसके मानस को, उसके दर्शन को नहीं छुआ। छुआ, उसने विरोध किया। और जब जब इस मानसिकता के साथ भारत पर आक्रमण हुआ कि सिविलाइजेशन में हम श्रेष्ठ हैं, सभ्यता में हम श्रेष्ठ हैं, संस्कृति में हम श्रेष्ठ हैं, और भारत की या हिंदू संस्कृति ये श्रेष्ठ नहीं है, वहां जाकर हमारा उन आक्रांताओं से जबरदस्त संघर्ष हुआ, और वो संघर्ष अभी भी जारी है। मजेदार बात ये होगी कि पहले बाहर से भी आक्रांता आए थे, अभी भी आ रहे हैं, और दुर्भाग्य ये है कि भीतर से भी हमारे अपने आक्रांता बार बार भारत को और भारत के लोगों को चुनौती देते हैं। मेसिडोनिया से अलेक्जेंडर आया, और 3 साल के भीतर, हितेश, मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि 3 साल के भीतर मेसिडोनियन साम्राज्य के कोई निशान भारत में नहीं रहे। 21 साल का एक लड़का चंद्रगुप्त 17 साल की उम्र में युद्ध प्रारंभ करता है, 21 साल की उम्र में भारत का प्रथम सम्राट, ऐतिहासिक सम्राट बनता है। 3 वर्ष के भीतर भारत से ग्रीक साम्राज्य की नींव उखड़ चुकी होती है। उनका जो क्षत्रप है फिलिप्पस, उसकी हत्या हुई, और उसके बाद
आप देखते हैं सीधे 715, तो कहने का तात्पर्य है वो क्या दर्शन था, क्या विचार था जिसने भारत को सुरक्षित रखा। मुझे बड़ा अच्छा लगा राम माधव जी ने भी वही बात कही, व्यवस्था, यदि राष्ट्र की व्यवस्था अच्छी है, यदि समाज की व्यवस्था अच्छी है और सुरक्षित है, तब वो इन आक्रांताओं से लड़ पाएगा। यदि समाज व्यवस्थित नहीं है, समाज की सुरक्षा व्यवस्थित नहीं है, तो समाज आक्रांताओं से नहीं लड़ पाएगा। कहानियां आक्रांताओं की तो, और कई बार आश्चर्य भी होता है कि अक्सर जब ये आक्रांता आए तो उनको मदद कहीं बाहर से नहीं मिली, भीतर से मिली। अम्फिस, अम्फिस या आंभी का ग्रीक नाम है। अम्फिस की समस्या सिर्फ एक ही थी कि उसका अपने पास के प्रदेश, जिसको हम केके या पोरस, पोरस ये ग्रीक नाम है, वो पुरु भी हो सकते हैं, वो पुरुषोत्तम भी हो सकते हैं, वो पर्वतक भी हो सकते हैं, वो पर्वतेश्वर भी हो सकते हैं। इसका अनुवाद ग्रीकों ने जो किया है वो पोरस है, और एक और जानकारी, दो पोरस है, ग्रेटर पोरस, लेसर पोरस। दूसरा जो पोरस है, जिस पर्वतेश्वर को हम जानते हैं महान योद्धा के तौर पर, उनका वो भतीजा है। सिर्फ एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा आंभी की, और वो अपने देश में अलेक्जेंडर को बिना किसी प्रतिरोध के आने देता है, और उसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि उसके बाद की स्थिति देखो। 305 जब सेलुकस निकेटर आक्रमण करने आता है, और उस समय वो भारत पर आक्रमण नहीं करता है, कुछ हाथी भेंट लेता है और वापस चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक समझौता जिसमें हेलेना, हेलन या कार्नेलिया उसकी पुत्री है, इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पुत्री का नहीं, जहां भूमि का आदान प्रदान होता है, भूमि को भी सामरिक संदर्भों में, राजनीतिक संदर्भ में बेटी कहा जाता है। इसलिए हो सकता है कि जो भारत का भूभाग ग्रीक लोगों के अधीन था, वो चंद्रगुप्त ने वापस प्राप्त किया, और उसके बदले में उसे युद्ध के लिए कुछ हाथी दिए और वो वापस गए। क्योंकि हितेश के मन का प्रश्न मैं जानता हूं कि कौटिल्य ने इस संदर्भ में, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, हम ये मानते हैं कि तीनों ये एक ही व्यक्ति है, लेकिन इतिहास की शुद्धि के लिए अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है, कभी चाणक्य नहीं कहा गया। इसलिए मैं हमेशा जब भी अर्थशास्त्र की बात कहूंगा कौटिल्य का नाम लूंगा। कौटिल्य, अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर पुस्तक देखी हो, तो मूलतः वो एक राजा नृपेंद्र, नृप, नरेंद्र के लिए लिखी गई पुस्तक थी, और उस पर बहुत सारे विषय हैं। आमतौर पर लोग ऐसा समझते हैं कि वो इकोनॉमिक्स पर, इकोनॉमिक्स उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है, वो व्यवस्था, राज्य संचालन, उसके लिए जो जो कुछ करना पड़ता है, और उसमें एक अध्याय है कंटक शोधन। कंटक, कांटा, समाज का कौन सा कांटा है उसको ढूंढना, ये एक पूरी बड़ी व्यवस्था है। और मुझे किया, उन्होंने राज्य के खर्च पर चोरों को नियुक्त किया था चोरी करने के लिए, ताकि वो कारावास में रहें और वहां अपराधियों से मिलें और उनकी योजना जानें, और गुप्तचरों के माध्यम से सम्राट तक, वो स्टेट तक वो पहुंचे। जिस भी प्रकार की आप कल्पना कर सकते हैं गुप्तचरों की, उस सारी व्यवस्था कौटिल्य ने की थी। यानी तापस, साधु, सन्यासी, हर प्रकार की व्यवस्था, बौद्ध भिक्षुणियां भी, बौद्ध मॉन्क जिन्हें हम भंते भिक्षु कहते हैं, वे भिक्षु भी, इसलिए कि नए नए पंथ आ रहे थे।
हम देखें कि ईसा के 600 वर्ष पूर्व हमारे देश में एक बौद्ध संप्रदाय प्रारंभ हुआ, बौद्ध मत प्रारंभ हुआ, जैन मत प्रारंभ हुआ, उसके अतिरिक्त और भी मत भारत में उस समय थे। उन पंथों में क्या हो रहा है, वहां भी गुप्तचर नियुक्त करना और उसकी सारी सूचना स्टेट सम्राट के पास पहुंचना, एक बहुत ही विशाल उन्होंने जाल बुन रखा था। मैं उसकी एक छोटी सी संपत्ति का सुनैव उपभोग लेना तभी संभव होगा, और ये राष्ट्र के लिए बात हो रही है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, जब समाज कंटकों को नियंत्रण में लाया जाएगा। इन कंटकों को समझने, ढूंढने और नियंत्रण में रखने के लिए कंटक शोधन नाम का अध्याय। इन कंटकों को नियंत्रण में रखने का अर्थ अंतर्गत सुरक्षा और सुव्यवस्था का कार्य समाहर्ता का होता है। समाहर्ता जिसको हम आज कलेक्टर कहते हैं, समाहर्ता उसके सुव्यवस्था हेतु प्रत्येक ग्राम का उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ ऐसा वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण के उपरांत प्रत्येक ग्राम की छोटी से छोटी जानकारी लिखकर रखना अनिवार्य था। एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि पाटलिपुत्र में आने वाले व्यक्ति के लिए मुद्राध्यक्ष एक प्रकरण है, पूरा मुद्राध्यक्ष का कार्यालय। मुद्रा का अर्थ है पासपोर्ट। एक मुद्रा हम समझते हैं जो धन से, सिक्के से समझते हैं, पासपोर्ट। मुद्राध्यक्ष का कार्यालय नगर प्रवेश करने में सबसे पहला कार्यालय है। जैसे आज हम टोल टैक्स लेते हैं, उसका विशुल्काध्यक्ष का कार्यालय भी पास में है। मुद्राध्यक्ष का कार्यालय सबसे पहले, जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है उसको मुद्राध्यक्ष के कार्यालय में जाना पड़ता है, उसकी मुद्रा देखी जाती है और प्रवेश का भी एक तय है कितने निष्क उसको नगर में आने के लिए देना पड़ेगा। जो नगर के अभी जो इमिग्रेशन सिस्टम, अभी इमिग्रेशन जो सिस्टम है, और मजेदार बात है वो ये भी लिखते हैं कि ये मुद्रा भी फोर्ज्ड हो सकती है, झूठी हो सकती है, उसको किस तरह से पकड़ना। ईसा के 400 वर्ष पहले मुद्रा, और मजेदार बात है कि जैसे एक सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में गया, अब उस सामान में क्या है उसकी पूरी सूची होनी चाहिए। हथियार ऐसे ही आ सकते हैं, और वो जिन जिन प्रदेशों में गया वहां उस पर दूसरी मुद्रा लगनी चाहिए कि हमने इसको देखा, और बाद में वो शहर में आता है, उसकी पूरी सूची बनाई जाती है। व्यापारी को पूरी सूची देनी होती है कि वो क्या लेकर आया है अपने साथ। आज ये व्यवस्था, और मजेदार बात मैं बताता हूं, इसलिए कि कई बार मुझे लगता है कि बहुत चतुर था। वो आगे जाएगा। मैं, मेरे मन में एक बात आती है, आप बॉलीवुड में हैं, आपने मुद्रा की बात कही, मुद्रा एक और भी होती है, आपकी मुद्रा, आपकी भाव भंगिमा। मैं उस मुद्रा के बारे में बोलूंगा कि बॉलीवुड में आपकी मुद्रा कैसी है, क्योंकि आपने अभी जो आचार्य का को उद्धृत करते हुए कहा, जो उज्ज्वल निकम जी ने भी कहा कि चोरों के बीच में चोर बन के बैठना पड़ता है, इस बॉलीवुड में आप कैसे बैठे हैं? क्योंकि इसके बारे में लोगों की राय बहुत, मैं कुछ फिल्मों की बात करूं, जो जो उनका नैरेटिव होता है उसको लेके लोगों की भौंें तन जाती हैं, यानी उनकी मुद्रा बदल जाती है। यहां पर आतंक के लिए हैदर जैसी फिल्में बनती हैं, उसे रोमेंटिसाइज करने के लिए माचिस जैसी फिल्में बनती हैं, उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी उस बॉलीवुड में रहते हुए इस इन सारी भाव भंगिमाओं को कैसे देखते हैं? मैं तुम्हारी बात को इस तरह से रखूंगा कि मैं बहुत आहिस्ता से रखेंगे, हाँ, क्योंकि सारा हिंदी सिनेमा या और भारतीय सिनेमा में एक राष्ट्रवादी के तौर पर रहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि सिनेमा में और भारत के सिनेमा में
और जब मैं भारत की बात करता हूं तो मैं तमिल, तेलुगु, मलयाली, असमिया, उड़िया सारी फिल्मों की बात करता हूं, क्योंकि पूरा एक बहुत बड़ा परिवार है, हम लोग एक भाषा के क्षेत्र में काम करते हैं। मैं ये भी पूरे जोर से कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हिंदी सिनेमा में या भारतीय सिनेमा में सभी राष्ट्र विरोधी हैं। हो सकता है उनके राष्ट्र के समर्थन की आवाज हमको सुनाई नहीं देती। छोटी सी घटना, जब बात छेड़ी दी है हितेश ने तो मैं कहना चाहूंगा, एक दिन पहले भारत की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री ने हाय गलवान लिख दिया। ताजा मामला है और उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में हमारे कुछ मित्रों ने, जो हमेशा बड़े सतर्क रहते हैं, उन्होंने लिखा कि इस प्रकार के अभिनेता और अभिनेत्रियों का विरोध होना चाहिए। और उनके विरोध में जिस व्यक्ति ने पहला ट्वीट किया उनका नाम है श्री अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के ट्वीट करते ही मजेदार बात है कि इस देश की कई राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं ने लिखना शुरू कर दिया कि कनाडा कुमार तुम अपना काम करो, जब गलवान में यह घटना हुई थी तो माननीय मोदी जी ने इस पर मौन रखा था, तब क्या तुमने इस पर ट्वीट किया था? प्रश्न यह है कि अक्षय ने इस देश के सैनिक के सम्मान की रक्षा के लिए कहा है, जो सबका दायित्व है। प्रश्न यह नहीं है कि उस समय उसने क्या किया था, लेकिन चूंकि वो मेरे मित्र हैं, मैंने देखना शुरू किया और मैंने जानबूझ के सुबह उनसे बात नहीं की, वो आने वाले थे इस कार्यक्रम के लिए, कि उनका कहना यह था कि जैसे ही मैं ऐसा कुछ करता हूं सारे लोग मिलकर उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और यह सच्चाई है कि राष्ट्रवादी विचारों को रखने का यहां पर अर्थ है आप हिंदू विचार को रख रहे हैं, और इस हिंदू शब्द से लोग बहुत डरते हैं। मुझे याद है 1998 के चुनाव के पहले जब अटल जी सत्ता में आए, मुझे यह काम दिया गया कि वोट फॉर बीजेपी, ये हम सिनेमा के एक्टरों के पास जाएं और उनसे ये समर्थन लें कि कृपया देश हित में यदि आप समझते हैं तो आप बीजेपी के लिए वोट करें। और ऐसा एक आग्रह था कि हम वो जो भी हमारा समर्थन करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में वो हम छापेंगे। रतन जी को पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो सब बहुत बड़े व्यक्ति हैं, सिर्फ दो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हम इस पे हस्ताक्षर करेंगे। उस दो में एक मैं था। और उस समय मैं एक चैनल के लिए काम कर रहा था, जानते हैं लोग, मैं जी के लिए उस समय प्रेसिडेंट प्रोग्रामिंग था, इसलिए लोगों तक पहुंचना मेरे लिए सुलभ था। टेलीविजन के उस पद पर मैं बैठा हुआ था कि मैं एक्टर तक पहुंच सकता हूं, निर्देशक तक पहुंच सकता हूं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी, और ऐसा नहीं है कि वो भारत से प्रेम नहीं करते थे, ऐसा नहीं है कि वो भाजपा को मत भी नहीं देना चाहते होंगे। मैं जानता हूं कि सभी उसमें से भाजपा को मत भी देना चाहते होंगे, लेकिन उनके मन में एक भय था, उनके मन में एक भय था कि यदि मैं ऐसा कुछ करता हूं और कल को भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो सत्ता का उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। मैं एक मजेदार बात बताता हूं क्योंकि मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं है। श्री अक्षय कुमार से मैंने राम जन्मभूमि के लिए और बहुत सारे कामों के लिए कहा कि इस पर आपको कुछ कहना चाहिए, और उन्होंने ट्वीट किए समर्पण निधि के लिए। जैसे ही उन्होंने समर्पण निधि के लिए ट्वीट किया, हिंदू समाज ने भी लिखा कि इस कैनेडियन से आपको कोई भी राशि लेने की आवश्यकता नहीं है, इसकी अपील को खारिज करी है। आपने उसके नीचे वसुधैव कुटुंबकम नहीं लिखा? नहीं नहीं, नहीं मैं चूंकि ट्विटर पर हूं नहीं इसलिए मैंने, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम मुझसे ये सब करवा रहे हो और कल को कोई दूसरी सरकार आएगी तो मेरे साथ क्या होगा? तो मैंने कहा दूसरी सरकार भी आपका स्वागत करेगी
और सम्मान करेगी। बोले ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा सरकारें सफल व्यक्तियों का सम्मान करती हैं, असफल व्यक्तियों का नहीं। आप सफल हैं, भाजपा आज है वो आपका सम्मान कर रही है, आपकी नैतिक निष्ठा है उसके प्रति वो सम्मान कर रही है, लेकिन कल को वो न भी आई तो सफल व्यक्तियों का वो सम्मान करेगी। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं कि असफल व्यक्तियों के साथ क्या होता है। मुझे याद है चाणक्य जब आया था तो एक देश के बड़े अखबार ने, आप सभी इसको पढ़ते हैं, उसने एक ही आर्टिकल लिखा था चाणक्य के लिए, वो भी चाणक्य के विरोध में, और रतन जी को याद होगा उसका टाइटल था सैफरन फॉर ब्रेकफास्ट, सैफरन आप नाश्ते में सुबह 10 बजे देखिए। वहां से लेकर आज तक, अब जब मैं देखता हूं उन्हीं अखबारों को, उन्हीं संपादकों को, तो मुझको ऐसा लगता है कि देर ही सही उन सबको राष्ट्रीय हित में सोचना पड़ रहा है, और उसका कारण है हिंदू समाज और हिंदू समाज के बना के कारण बना हुआ हिंदू नेतृत्व। और जब मैं हिंदू कहता हूं हितेश, मैं बहुत स्पष्ट हूं, तब मैं यहां के मुसलमान समाज को भी उससे अलग नहीं करता। राम माधव जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि दुनिया को यह बताने की आवश्यकता है कि इस्लामिक आतंकवाद, ये इस्लाम के नाम पर हो रहा आतंकवाद है, वो मुसलमान हो ये जरूरी नहीं। ये बात जब तक हम स्पष्ट नहीं करेंगे, कुछ दिनों पहले मैंने कहा कि मेरा मानना है कि जो भी इस देश में जिसने भी जन्म लिया है वो हिंदू है जी। और मैंने कहा कि हमारी दो प्रकार की नागरिकता है, एक हमारी सांस्कृतिक नागरिकता है कि मैं हिंदू संस्कृति में पला बड़ा हूं, मुझे अपनी परंपरा में हिंदू संस्कृति मिली है, दूसरी मेरी एक राजनीतिक नागरिकता है, जैसे आई एम, मेरा पासपोर्ट में जब हम जाते हैं तो एक राष्ट्रीयता उसमें लिखनी पड़ती है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। मेरी राष्ट्रीयता भारतीय है। मैंने अक्षय के संदर्भ में मैंने कहा कि उनकी राष्ट्रीयता फिलहाल कैनेडियन हो सकती है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता जो है वो भारतीय है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, वो इसलिए हम सबका एक साधारण सा अभी का अनुभव है कि जब अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट जब चुनी जाती है, कमला हैरिस, श्रीमती कमला हैरिस जी, तो पूरे देश में एक उत्साह है, जबकि हम सब जानते हैं कि उनका जन्म भारत में नहीं हुआ। उसी प्रकार से अभी हाल में ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने, सुनक जी, उनका भारत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इस देश ने उत्सव मनाया। उत्सव इसलिए मनाया कि उनकी एक छवि लोगों के मन में आई, गाय की पूजा करते हुए एक व्यक्ति लोगों ने देखा। तो यहां का हिंदू जो मानस था, यहां का जो भारतीय मानस है, उसने इसका उत्साह मनाया। लेकिन जैसे ही ये प्रश्न कुछ अभिनेताओं के बारे में आता है, जिसमें अक्षय का, हम उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते कि वो भी इसी जमीन से है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी जो हिंसा है वो किसी और रूप में अभिव्यक्त होती है। और मुझे जब निगम उज्जवल साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने दो बार कहा अपना बच्चा जी, वो गलत रास्ते पर चला गया पर अपना बच्चा, अपना थापा, थापा ने रिश्वत ली, वो गलत रास्ते पर चला गया पर डिसोन नहीं किया। शायद यही भारतीयता है, यही हिंदुत्व है, हम डिसोन नहीं करेंगे। तो मैं तुम्हें हिंदी सिनेमा को कटघरे में खड़े में नहीं होने दूंगा। नहीं, मुझे मैं आपके शब्द जाल में नहीं आऊंगा। बताओ। मैं ये कहूंगा कि आज के समय में जो डिसोन की बात कही, एक जगह चली गई, सितारे बुझते हुए क्यों लगते हैं, डिसोन कौन कर रहा है? ये बात हम लोगों को समझने में बहुत देर हुई। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी भी बात करता हूं, कई बार हम लोग ये नहीं समझ पाते कि जनता हमसे क्या अपेक्षा रखती है, हमारे दर्शक, हमारा देश, हमारा समाज हमसे क्या अपेक्षा रखता है, और हम कुछ अति प्रगतिशीलवादी होने के चक्कर में कि पूरा संसार हमको स्वीकार कर ले,
इसलिए हम ऐसे विचारों पर फिल्म बनाए जो आधुनिक सी लगे, और अक्सर उस आधुनिक बनने के चक्कर में हम अपनी जमीन से कट जाते हैं। मैंने भी ये अपराध किया है, मैं ये स्वीकार करता हूं। पांचजन्य के मंच से आप अपना ये अपराध स्वीकार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आजकल मीम्स बन जाते हैं, सर्कुलेशन बहुत होता है। होने अब मैं उस बात पर आता हूं कि क्या ऐसा है हिंदी सिनेमा में कि ये खान है, ये कुमार है, ये राव है। मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि ये समाज भी सफलता के पीछे है। इनसे ज्यादा प्रतिभाशाली कलाकार इंडस्ट्री में मौजूद हैं, लेकिन समाज उनको नहीं पूछता है क्योंकि वे बहुत सफल नहीं है। और सफलता का मापदंड सिर्फ बॉक्स ऑफिस है हमारे यहां। जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा पैसे लाए वो बड़ा कलाकार है। और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि जो बड़े कलाकार भी नहीं, अभिनेता भी नहीं, उनको हमारा मीडिया किस तरह से महान अभिनेता बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता है। और एक झूठ जब बार बार कहा जाए तो आप भी मानने लग जाते हैं, हाँ ये महान है, हाँ ये महान है, हाँ ये महान है। और अब ये हम लोगों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि इस भ्रामक प्रचार से हम लोग लड़ सकें। इसलिए कई बार हम लोग मन महसूस कर रख, मैं एक छोटे से मन की बात कहता हूं कि मैं कई बार, हम लोग सूची बनाते हैं शारदा जी की, इनके साथ काम नहीं करूंगा, इनके साथ काम नहीं करूंगा, इनके साथ काम नहीं करूंगा। और हर वर्ष लगता है कि ये तो और बड़ा होते गया, ये तो और बड़ा होते गया, ये तो और बड़ा होते गया। अब हम लोग के पास कोई पर्याय भी नहीं रह गया है। अब ये जिम्मेदारी समाज को ही लेनी पड़ेगी। हम हमेशा शिकायत करते हैं पिछले 2 वर्षों में जो कुछ भी हिंदी सिनेमा आया हुआ, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। अब मेरा हमेशा मानना है कि जब तक आपके पास कोई अल्टरनेटिव, कोई पर्यायी व्यवस्था नहीं है, तो मौजूदा व्यवस्था को मत तोड़िए। आप तैयार करिए, हम लोग साथ में तैयार हैं। अगर आप नए एक्टर के साथ पृथ्वीराज देखने को तैयार हैं, तो किसी निर्देशक से ज्यादा सुखी व्यक्ति कौन हो सकता है? लेकिन क्या समाज हमारा तैयार है? मैं आज भी पूछता हूं कि यदि राणा प्रताप पर कल कोई व्यक्ति फिल्म घोषित करता है, तो क्या हमारा समाज इस बात की गारंटी दे सकता है कि हम सारे के सारे लोग थिएटर में जाएंगे? मजेदार बात बताता हूं आपको। बाबा साहब आंबेडकर पर एक बहुत सुंदर फिल्म बनी जिसमें मामूटी ने मुख्य भूमिका की थी। वह फिल्म लोगों ने नहीं देखी। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि गांधी फिल्म भारत में असफल कही जाएगी बॉक्स ऑफिस की दृष्टि से। गांधी फिल्म को भारत में बड़ी सफलता नहीं मिली थी। और दूसरी जो गांधी पर फिल्म बनाई थी श्री श्याम बेनेगल ने, मेकिंग ऑफ महात्मा, एनएफडीसी के सौजन्य से, पहली वाली एटनबरो वाली थी। आपने सुना भी है कि मेकिंग ऑफ महात्मा एक फिल्म बनी। उसके बाद एक और फिल्म का मैं नाम लेना चाहूंगा, फॉरगॉटन हीरो सुभाष चंद्र बोस, सहारा ने वो फिल्म बनाई थी। वो फिल्म लोगों ने देखी नहीं। हो सकता है उस समय मानस उस तरह का नहीं था, आज मानस देश का तैयार है, लेकिन इस मानस को, राष्ट्रवादी मानस को और सुदृढ़ करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी। और एक बात और मैं कहता हूं कि जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, हम ये जरूर ध्यान में रखें कि हम वो इतिहास प्रस्तुत करें जो सच्चा इतिहास है, वो इतिहास ना प्रस्तुत करें जो लोगों ने अपने मन में गढ़ रखा है। जैसे कि बहुत कम लोगों को पता है कि रतन जी और मैंने कोई 18 साल पहले रतन जी ने पृथ्वीराज की स्क्रिप्ट अंग्रेजी में अनुवादित की थी कि कई एक्टर जो हिंदी नहीं पढ़ पाते उनको अंग्रेजी में चाहिए थी। अब मजेदार बात है, उसमें वो सारी चीजें नहीं है जो भारत के जनमानस में है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 16 बार आक्रमण, 17 बार आक्रमण, इतिहास की दृष्टि से 2 ही बार आक्रमण हुआ है, 91 और 92, 1191-1192। रासो में, पृथ्वीराज रासो में वो 7 बार लिखा है। हम्मीर महाकाव्य में वो 17 बार, 21 बार लिखा है। तो काव्यों में उसकी संख्या बदलती रही है। पृथ्वीराज के अंत की भी कथा अलग अलग महाकाव्यों में बदलती रही है। चंद बरदाई वाला जो एक है प्रसंग, जैसे
चार वास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच्छू के चौहान, मच्छू को चौहान। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रासो की किसी पांडुलिपि में नहीं है। रासो की पांडुलिपिया क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि एक राजस्थान का संस्करण है जो राजस्थान में प्राप्त हुई, एक नागरी प्रचारणी समिति वाराणसी का संस्करण है, कहीं नहीं है। दूसरी बात जब मैंने लोगों को, लेकिन ये मैंने बाद में कही, गलती मुझसे हुई, तुमसे मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। गज शब्द 1515 में पहली बार आया है, इब्राहिम लोदी के समय। उसके पहले गज शब्द भारत के उसमें है ही नहीं चिंतन में, और वही अकबर के समय जाके इलाही गज होता है। गज शब्द जो 11वीं शताब्दी में है नहीं, वहां ये कहां से आ गया? पर इस पर एक बहुत अच्छी पुस्तक है नरसिंह परदेसी की, पृथ्वीराज के संदर्भ सामग्री की चिकित्सा। उसमें किस तरह से हमने बहुत सारी चीज, और मजेदार बात बताऊं मैं, ये सिनेमा वालों का दुख है, कहां मैंने सोचा था कि हम एक देश के महानायक की कथा देश तक लेके जाएंगे, तो जिन्हें आला उदल से प्रेम है वो कहते हैं किस महान पृथ्वीराज की बात कर रहे हो तुम, आला उदल ने उनको कई बार पराजित किया है। लीजिए हम लोग उनके, अब आला उदल में जो कुछ लिखा गया है वो भी कितना सच है वो हम लोग नहीं जानते। मैंने पूरे फिल्म में कहीं भी क्षत्रिय शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। और हमारी एक सेना है जो हिंदू विचारों के लिए, हिंदू चिंतन के लिए हमेशा लड़ती रहती है। उन्होंने मुझे फोन किया कि साहब आपने तो हमारे साथ बहुत गलत, का रिस्पॉन्स, उनकी प्रतिक्रिया, उनका प्रतिसाद बहुत अच्छी रूप में दक्षिण भारत को मिल रहा है, डब्ड फिल्मों को मिल रहा है, कि नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो भारतीयता से जुड़े हुए विषयों पर काम कर रहे हैं, चाहे मैं आज कांतारा की बात करूं, चाहे RRR की बात करूं, चाहे PS1 की बात करूं, चाहे उससे पहले बाहुबली की बात करूं, ये एक पूरी बड़ी श्रृंखला है अगर हम देखें तो। बॉर्ड के लिए क्या भारत से सरोकार से कटना, ये उसके लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इस मंच पर आकर, मैं मानता हूं यहां जो भी बैठा हुआ मेरे परिवार का सदस्य है, आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता। मैं इस बात के लिए जब से फिल्म इंडस्ट्री में आया हूं तब से लड़ रहा हूं कि जब तक कहानी भारत की मिट्टी में रची बसी नहीं होगी उसकी ग्राह्यता कम होगी। दक्षिण में अभिनेता जो है वो धोती पहनता है, लुंगी पहनता है, लुंगी को भी उठा लेता है, स्लीपर, बाथरूम स्लीपर पहना है पुष्पा में नायक ने। हमारे यहाँ डिजाइनर, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे यहाँ अधिकतर कलाकारों की वेशभूषा इंग्लैंड से खरीदी जाती है, इसलिए कि वो ब्रांड है, वो ब्रांड कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये सत्य है। और जितना आप उसके लिए महंगा वस्त्र लेकर आएंगे, कपड़ा लेकर आएंगे, वो खुश होता है, वो खुश होता है कि मैं इस ब्रांड के कपड़े पहन सकता हूं। सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ के जो स्थापित निर्देशक हैं उनके मन में भारत की एक अलग कल्पना है। उन्होंने ना अयोध्या देखा है, ना उन्होंने उत्तर प्रदेश फैजाबाद देखा है, उन्हें पटना के अलावा अगर बिहार के किसी दूसरे शहर का नाम पूछ लो तो मैं समझता हूं 90% 99% आपको नहीं बता पाएंगे। और इसलिए कि पटना पर बहुत सारी फिल्में बनती है, मैंने एक कैमरामैन से शिकायत की कि तुमने अपने अभिनेता को काला क्यों किया, वो तो बड़ा गोरा चिट्टा है, नाम नहीं, आप समझ भी जाएंगे संकेत में। बोले उनका मानना है कि जो अमीर आदमी होता है वो गोरा होता है, जो गरीब होता है वो काला होता है। तो मैंने कहा ये कौन से दुनिया में लोग रह रहे हैं, अभी अभी की हालिया फिल्म है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं क्या बताऊं, पटना के अलावा उनको दूसरे शहर का नाम नहीं पता है। और ये लोग हमें निर्देशित करते हैं। मुझे सच्चाई ये है कि बहुत कम अब निर्देशक ऐसे रह गए हैं, फिल्म बनती ही तब है जब एक अभिनेता उसको ग्रीनलिट, हमारी भाषा में ग्रीनलिट करता है, जब अभिनेता हाँ कहता है, चूंकि उसको पता है कि मेरे हाँ कहने से फिल्म बनने वाली है, तो वो कहते हैं मुझे 200 फिल्मों का अनुभव है, आपको कितनी फिल्मों का अनुभव है। निर्माता से बात करते हैं तो निर्माता कहते हैं कि हम इंडस्ट्री में, हमें 60 साल हो गए हैं, 70 साल हो गए, आप अपना अनुभव, अपना देश प्रेम, ये सब। मैं सीधे पृथ्वीराज पर आता हूं। मैं जानता हूं रासो बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी है,
रतन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओरिजिनल पढ़ी है और ओरिजिनल के बाद फिल्म भी देखी है, वो हमेशा कुछ नहीं कहेंगे इसके बारे में। मुझे किसी एक व्यक्ति ने कहा, उसमें बहुत सारे ऐसे चरित्र थे जो धीरे 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 बाहर गए, जैसे कर्नाटकी नाम की पात्र थी वो बाहर गई, यानी स्क्रिप्ट से कथा वो अच्छी है जो इतिहास है वो नहीं, कथा वो अच्छी है जो लोगों को अच्छी लगेगी, तो वो कहानी बदलती गई। और एक व्यक्ति ने मुझे सुझाव ये भी दिया जो बहुत ताकतवर व्यक्ति था, जो चाहता तो पृथ्वीराज न बनती, और मैंने एक समय यह तय भी कर लिया था कि मैं रोक देता हूं, मैं फिर कुछ साल संघर्ष करूंगा। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब, इस चंद बरदाई के चरित्र की क्या जरूरत है इस फिल्म में, क्या पृथ्वीराज की कल्पना हम चंद बरदाई के बिना कर सकते हैं? तो मैंने कहा फिर करेंगे क्या? बोले कुछ नहीं, संयोगिता है और पृथ्वीराज है, दोनों का प्रेम है, उसने जाके उसको उठा लिया। वो गलत नहीं कह रहे थे, आजकल भारत जोड़ो की कल्पना भी बिना गुजरात के हो जाए हो जाती है। ये मुझे फंसा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, हमारी कहानियों में हम लोगों की श्रद्धा नहीं है, हमको लगता ही नहीं कि इस देश का इतिहास, इस देश के पुराण, और जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो हम लोगों की एक मति भ्रष्ट हो गई है कि हमारे सारे इंस्पिरेशन पश्चिम से आ रहे हैं। इस देश में किसी भी चैनल में चले जाइए, किसी भी वेब प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, किसी भी बड़े निर्माता के, कैन यू मेक गेम ऑफ थ्रोन्स? गेम ऑफ थ्रोन सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। और कल मैं और प्रसून जोशी एक मीटिंग में बैठे हुए थे, वहां हमें कुछ इमेजेस दिखाए गए, तो हम दोनों ने कहा कि ये मत करना गेम ऑफ थ्रोन्स, क्योंकि उनको लगता है गेम ऑफ थ्रोन जो उन्होंने पैरामीटर सेट किए हैं, संक्षेप में आ जाता हूं वापस, दक्षिण अभी भी हिंदुस्तानी पैरामीटर पर चल रहा है। जैसे कि एक छोटी सी बात मैं लंबे समय से लड़ रहा हूं, हम सटल अभिनय करते हैं तो लोग कहते हैं सटलिटी समझ में नहीं आती, जब थिएट्रिकल करते हैं तो लोग कहते हैं आप तो बड़े थिएट्रिकल हो गए। और मजेदार बात यह है, ये सारे पत्रकार जो हर दिन रिव्यू लिखते हैं, उनके आप 100 रिव्यू एकत्रित करिए, उसका अध्ययन करिए, आप देखेंगे कि वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग रिव्यू देते हैं। कई तो ऐसे भी है जो बिना फिल्म देखे भी रिव्यू लिखते हैं। नहीं नहीं, खाली रिव्यू की बात नहीं है, आप पत्रकारों की तरफ मत जाइए, खाली म्यूजिक पे गाने भी लिखते हैं आपके यहाँ पर। हाँ, तो हम सब उससे ग्रस्त हैं। आपने जो बात कही, मैं एक चीज और कहूंगा कि पहले एक सेंसर बोर्ड होता था, और सर्टिफिकेशन बोर्ड, मैं उसका सदस्य रहा हूं, सर्टिफिकेशन बोर्ड। हाँ। और अब एक OTT होता है, तो घोड़ा बेलगाम ही रहेगा, घोड़े के स्वातंत्र्य में ही संस्कृति का रक्षण है, या इस घोड़े का कोई उपाय होना चाहिए? मैं एक मन की बात कहता हूं, इस घोड़े को और बेलगाम कर दो तो फिर करना क्या है? ये जितना जिनको दौड़ना है दौड़ने दो, जिसने देश के विरोध में, जिसने समाज के विरोध में, जिसने संस्कृति के विरोध में कोई भी काम किया, उसको सड़क पर ले आओ, ये सब आत्मानुशासन मानने लगेंगे। मतलब ये प्रेरी के मैदान नहीं है, वो मस्टांग घोड़ा नहीं है, उसका इलाज बता रहे हैं आप। मैं उसका कारण मेरी प्रसून से भी बात हो रही थी कि प्रसून भी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि क्या जो परंपरा आज से 3000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले थी, आज वो हमारे चरित्र का, आज हमारे वो गतिविधियों का, आज हमारे व्यवहार का निर्णय वो करा अतीत करेगा या वर्तमान हमारे व्यवहार का निर्णय करेगा, मापदंड क्या होगा? तो मैं उनसे मतभेद रखता हूं। मैंने उनसे हमेशा कहा कि मैं जब कभी मेरे सामने प्रश्न उठेगा, मैं पुराणों को, काव्य को, दर्शन को सामने रखकर वर्तमान के निर्णय करने की कोशिश करूंगा। जैसे गालियों के लिए बड़ी बड़े झगड़े हुए, गालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके चक्कर में मैंने अपने लड़ाई के लिए मोहल्लासी को बचाने के लिए रिसर्च कर ली कि भारतीय साहित्य में, काव्य में
और वहां करते करते मैं पहुंच गया संस्कृत साहित्य में भी गालियां हैं। मगर आप तो डेली बेली नहीं बना रहे थे। हाँ वो मैं नहीं बना रहा था, और गालियों का स्वरूप भी आप जानते हो रितेश कि बनारस में गालियां गालियां नहीं रहती, उसका एक कल्चरल पर्सपेक्टिव है, और इस पर एक पुस्तक भी अभी आ रही है संस्कृत साहित्य में गहरना और गालियां। नहीं ऐसा तो मिथिला में भी है, है? और हर जगह का जो जियो टैग होता है गालियों के साथ चलता है। मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला भाई, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामचरितमानस, इन तीनों में जब शिव जी का विवाह होता है तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि मैना और वो सब शिव जी के साथ जो देवताएं उनको गालियां दे रही हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भोजन के लिए बैठे हैं और मिथिला की महिलाएं उन्हें गरिया रही हैं और देवताओं को वो गालियां सुनते हुए खाना खाने में बहुत आनंद आ रहा है। संत तुकाराम के अभंग देखिए, मैं यहां कह भी नहीं सकता, संत तुकाराम के अभंगों में वो शब्द हैं जो निषिद्ध कहे जाएंगे किसी भी समाज में, परंतु उन्होंने उसका प्रयोग किया है। इस पर हम दूसरी बार हितेश से गालियों पर बात करेंगे, गालियां देकर। हाँ उसके लिए हम एडवर्टाइजिंग का सेशन रखेंगे, क्योंकि ओगिलवी ने भी ये बात कही है, हम उसकी भी बात करेंगे, मगर अभी हम सिनेमा की ही बात करते हैं। और मैं जो भारत की बात कर रहा था, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स की बात कही, मगर यही सिनेमा था, पश्चिम की तरफ नहीं देखता था। गीत होते थे मेरे देश में पवन चले पुरवाई, ये पुरवाई कहां चली गई, ये गाली कहां से आ गई। मैं खुद भी हमेशा कहता रहूं कि आजादी के बाद हम देखें तो सोहराब मोदी से लेकर बहुत सारे लोगों ने क्या फिल्में बनाई हैं शानदार, और वो सारी की सारी उनका जो प्रेरणा का स्रोत रहा, या तो वो पुराण रहे, पौराणिक आख्यान, हमारे दादा साहब फाल्के कि उनकी अधिकतर फिल्में पौराणिक आख्यानों पर हैं। हरिश्चंद्र जो पहली फिल्म बनती है 12 मिनट की, अब हम देख पाते इतिहास हैं इतिहास पर या पौराणिक आख्यानों पर, झांसी की रानी, झांसी की रानी पर। आज यदि मैं कहूं कि मुझे हरिश्चंद्र बनाना है तो मुझे कोई भी व्यक्ति उसके लिए पैसा नहीं देगा, क्योंकि उनको लगता है कि इस कहानी में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मैंने इस पर एक प्रकरण बनाया था उपनिषद गंगा में, धर्म क्या है, तो उस पर मुझे कई पत्र आए कि हरिश्चंद्र जो अपनी पत्नी को बेचता है वो हमारा नायक कैसे हो सकता है। अब ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, उनको समझाया जाए कि हम लोग दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। तो चूंकि एक मजेदार बात, दो दिन पहले ही मैंने महाभारत में पढ़ी और मैंने हमारे मित्र दत्ता जी को भेजा भी कि वेदों को भी डर लगता है, वेदों को भी डर लगता है, किससे, यानी जो हमारी ज्ञान परंपरा का स्रोत है उसे भी डर लगता है। उन्होंने लिखा है वेद व्यास ने कि जिन्हें इतिहास और पुराण का ज्ञान नहीं उससे वेदों को भी डर लगता है कि न जाने ये कब आक्रमण कर दे। तो हम एक उस समाज में जी रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के समाज में जी रहे हैं, जहां पर जिन्होंने वेदों, पुराणों, काव्यों, महाकाव्यों, इतिहास इसका अध्ययन नहीं किया है, और हर दिन वो, अभी छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको, अपने मनोज मुंतशिर भाई रामायण को लेकर कई तरह के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, ओम राउत उत्तर दे रहे हैं, उन्होंने सही किया गलत किया वो फिल्म आने के बाद निर्णय होगा। लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है, मूलभूत प्रश्न है, क्या भगवान श्री राम ने चमड़ा पहना है, तो किसी ने नहीं कहा कि मैं ये कोट करता हूं वाल्मीकि रामायण से, पहना है वाल्मीकि रामायण में है और उसका रंग भी है काला। कृष्ण मृग चर्म कब, जब भरत श्री राम से मिलने जाते हैं। क्या वानर जूते पहनते हैं, नहीं, वानर शब्द अपने आप, आपकी मेरी हमारी एक बार लंबी बात हुई थी, वानर शब्द में ही बहुत डिबेट है, परंतु वाल्मीकि ने वानरों को जूते पहनते हुए दिखाया है, लिखा हुआ है,
जिस किसी को भी ये चाहिए, मैंने रामायण में इस तरह के मेटेरियल कल्चर में मेरी ज्यादा रुचि होती है कि वो समाज क्या था, इसलिए मैंने कौन सा इस प्रकार का वक्तव्य किस पृष्ठ पर है, जब कहेंगे मैं आपको तुरंत फोटो करके भेज दूंगा, आप वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर के देखिए और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर। नहीं नहीं, हमें प्रश्न आपको बॉलीवुड में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अभी देने हैं। जैसे वो कहते हैं कि बर्फ कुल्फी ये मुगल लेके आए, उसी वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जिस समय श्री राम विजय के बाद अयोध्या लौटे तो भरत ने हिम शीत जल से वो सड़कें ठंडी की। तो थोड़ी वाल्मीकि रामायण बाहर वालों ने पढ़ रखी है, थोड़ा अंदर वालों को भी पढ़ाइए। हाँ, वो अक्सर सच्चाई ये है कि हम लोग जब इतिहास पर काम कर रहे होते हैं तो पॉपुलर इतिहास को पढ़ते हैं, वो नहीं जो किताबों में लिखा है। नहीं, मगर जब सामान्य लोग काम करते हैं तो आप उन सबको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बता देते हैं, ये सबाल्टर्न नैरेटिव को मुझे कुचलने की प्रगतिशील चाल है। मैं कहता हूं मुझे पकड़िए ना, मुझे पकड़िए। इसलिए मैं एक मजेदार बात बताता हूं आपको। स्वराज्य संहिता मैंने लोकसभा के लिए बनाई, गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज इन एंशिएंट इंडिया, ये यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उसमें एक जगह गवर्नेंस इन रामायण में लक्ष्मण भगवान श्री राम से कहते हैं कि पिता भाई हमारे पिता एक जवान स्त्री पर मोहित हो गए हैं, इसलिए वो ठीक से विचार पीछे लिखा उस पर कि ये डॉक्टर साहब ने कौन सी रामायण लिख दी। मजेदार बात है, जब ये प्रसंग चल रहा है उसके नीचे आ रहा है वाल्मीकि रामायण कौन सा सर्ग कौन सा श्लोक, आप देख सकते हैं। और एक मजेदार बात, कितने लोगों को हमने बताया कि जिस समय राम वनवास के लिए जा रहे हैं तो वशिष्ठ ने कैकेयी को कहा है, दशरथ को कहा है कि तुमने सीता को वनवास नहीं दिया है, इसलिए सीता को राम की प्रतिनिधि बनकर अयोध्या के सिंहासन पर बैठने का अधिकार है। वो प्रस्तावित कर रहे थे कि सीता सिंहासन पर बैठे, सीता ने इस बात के लिए मना किया। और उसके बाद 14 वर्ष के लिए पर्याप्त वस्त्र और आभूषण सीता जी को दिए गए। और मजेदार बात यह, चूंकि हम लोग फिल्मों में कंटिन्यूटी देखते हैं तो मैं ये भी देख रहा था कि वाल्मीकि ने ये कंटिन्यूटी कितनी रखी है कि सीता जी या लक्ष्मण किसी ने पोटली उठा के रखी होगी, हितेश वाल्मीकि ने बहुत सुंदर कंटिन्यूटी रखी है, जितनी बार गंगा पार की है उस पोटली का उन्होंने उल्लेख किया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है बहुत सारे अंतर हैं रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में। कंदली माधव की अगर आप रामायण देखेंगे या कंबन की रामायण देखेंगे उसमें भी बहुत अंतर है, भवभूति का उत्तर रामचरित उसमें भी बहुत अंतर है। अलग अलग पूरे भारत में लोगों ने समय के अनुसार अपने नायकों को अपनी तरह से ढाला है। मैं मानता हूं ये क्रिएटिव छूट इस समय के फिल्मकार को, जिसको मैं एक सिडो इतिहासकार भी कहता हूं, उसको ये दी जानी चाहिए। उसको ये एक मित्र परिवार में पत्रकार को अनुवाद दिया कि जब जाजापुर में आक्रमण हुआ मुगलों का तो उस समय क्या हुआ, वो काव्य हम आज नहीं लिख सकते इसलिए कि हम लोग डरेंगे अपने ही समाज से। अभी मेरा फोन बंद है वरना मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता या अगली बार। तो मेरे कहने का मतलब है जहां तक रचना का प्रश्न आता है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। मजेदार बात है, हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन में आप केस कर सकते हैं और यदि किसी ने डिस्ट्रॉय किया है तो वो जेल जा सकता है। अब मुझे बताओ इसका समाधान कैसे होगा कि राजपूत समाज कहता है कि पृथ्वीराज राजपूत है, गुर्जर समाज कहता है कि पृथ्वीराज गुर्जर है। अब इसका फैसला कोई चंद्रप्रकाश द्विवेदी कैसे कर सकता है, वो तो इतिहासकारों का काम है। और कोर्ट की भूमिका देखिए, और मजेदार बात है, कोर्ट ने फिल्म के रिलीज के दो दिन पहले बुलाकर निर्माता को पूछा कि भाई आप लोगों ने क्या दिखाया, राजपूत दिखाया या गुर्जर दिखाया है। क्या अदालत को यह प्रश्न करना चाहिए था? प्रश्न करना है तो इतिहासकारों से करिए, या पहले करना था और दो दिन पहले। तो हमारे निर्माता ने उत्तर दिया कि ना हमने राजपूत दिखाया ना गुर्जर दिखाया है।
हम लोग जानते थे ये समस्या आने वाली है। ये अदालत पे मत कहिए, आपके यहाँ की ये एक हेडिंग है खामोश अदालत जारी है, तो उनके क्षेत्राधिकार की बात मत कहिए, वो आपका गोत्र भी तय कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि किसी एक ट्वीट को मानुषी चिल्लर जो हमारी मुख्य अभिनेत्री थी उन्होंने उसको बढ़ा दिया, उनको नोटिस आ गई और अब वो उस केस को लड़ रही हैं कि कोर्ट की उन्होंने अवमानना कर दी क्योंकि अभिनेत्री ने कह दिया। अरे अभिनेत्री ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा है, निर्माता ने नहीं कहा है। पर मजेदार बात यह है मित्रों, इसी पृथ्वीराज चौहान के बारे में धारणाएं अगर आप देखेंगे तो क्या किसी को यकीन होगा इस हॉल में बैठे हुए व्यक्ति को कि इतिहासकारों का एक ऐसा भी वर्ग है जो मानता है कि पृथ्वीराज विदेशी मूल के हैं। दशरथ शर्मा वो कहते हैं पृथ्वीराज का मूल ब्राह्मण है, राजपूत गुर्जर से मैं अभी तक बाहर ही नहीं आया हूं और अभी और थीसिस। और कहने का तात्पर्य है कि इतिहास का अर्थ ही है मतभेद। इतिहास में यदि सभी सर्वसम्मत हो जाएं तो फिर उसको लिखने की जरूरत कहां है। आज भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपका मत कुछ और हो सकता है, हितेश का मत कुछ और हो सकता है, मेरा मत कुछ और हो सकता है। मैं तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, जिस दिन तुम शुरू करोगे नक्की मानो मैं तुम्हारे साथ पूरे भारत की परिक्रमा पे चलूंगा। मेरे घर वाले तो मेरे घर आने के इंतजार करते रहते हैं, मैं पूरे भारत की परिक्रमा करता रहता हूं, मुझे अच्छा लगेगा आप मेरे साथ चलेंगे। वैसे मेरा फोन घनघना रहा है, अनुराग जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। एक सवाल, आपने बहुत कहा कि मैं बॉलीवुड पे हमला नहीं होने दूंगा, आपने ऐसे बड़े अच्छे अंदाज में कहा। आप ऐसे ऐसी इंडस्ट्री को क्यों बचाना चाहते हैं जो अपनी जड़ों से कटी हुई है, जो आपसे गेम ऑफ थ्रोन्स का रीमेक तो चाहती है लेकिन 14 सालों में 26/11 पर एक फिल्म के लिए 100 करोड़ नहीं जुटा पाती, एक ऐसी फिल्म जो कि बनी थी आज से कई साल पहले फॉरेस्ट गंप, उसका एक बड़ा ही भोड़ा वर्जन 400 करोड़ खर्च करती है, ऐसे सिस्टम को क्यों बचाना चाहते हैं आप? कहते हैं कि विध्वंस से ही सृजन निकलता है, अगर कोई सिस्टम टूटता है तो संभवतः नए एक्टर पैदा होंगे। आप पढ़े लिखे एक निर्देशक माने जाते हैं लेकिन आप शोमैन नहीं है, आप नंबर वन में नहीं आते हैं, तो ऐसे सिस्टम को बचाने की आपकी जिद क्यों है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहिष्कार की राजनीति के मैं हमेशा विरोध में रहा हूं। मेरा मानना है बहिष्कार हमारे किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूसरी बात, यह फैसला कि क्या सही है और क्या गलत है ट्विटर, व्हाट्सएप या फेसबुक पे नहीं हो सकता। दूसरी बात, किसी भी मसले में आपने कभी देखा है कि जब भी इस तरह की फिल्में आते हैं या जब भी विचारों का मतभेद होता है, भारत विविध विचारों का देश है। और यदि हम सिर्फ एक ही व्यक्ति, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं मन की बात, मैं वो मेरी परिचित है, हम सबके मित्र हैं, राष्ट्रवादी हैं, नो बिंदी नो बिजनेस। अगर आप बिंदी नहीं लगाएंगी तो हम आपका सामान नहीं लेंगे। अच्छी बात है इस देश की लड़कियां बिंदी लगाएं, बहुत अच्छी बात है, पर यह तय करने का अधिकार किसका होगा? मेरी बेटी का होगा, मेरी बहन का होगा, मेरी पत्नी का होगा। वो जिस दिन चाहेंगी, वो कई बार लगाती हैं कई बार नहीं लगाती हैं, मेरी बेटी बिल्कुल नहीं लगाती, मैं उससे ये उसका अधिकार नहीं छीन सकता। अब मैं दूसरा प्रश्न आपको करता हूं जहां आप फंसेंगे। अच्छा, आप मुझसे प्रश्न होंगे। हाँ, इसलिए कि मैंने उनको कहा अपने साथियों के बीच में कि भारत ये निरंतर बदलता हुआ देश है, सभ्यता के तौर पर, संस्कृति के तौर पर। जयपुर डायलॉग्स में मैंने कहा था कि आप, मैं सब बदलने को तैयार हूं, मैं पूरे भारत को बदलने को तैयार हूं, लेकिन कभी आपने अपने देवियों की तस्वीरें देखी हैं? उन देवियों की तस्वीरें में जो नेजल ऑर्नामेंट है, नथ है, नथनी है, ये तो विशुद्ध अरबिक परंपरा है, इस्लामिक परंपरा है। जब हमारे चित्रकारों ने हमारी देवियों के नाक में, तब हमें, अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा मोड़ देंगे? अब हम नए सिरे से चित्र बनाएंगे? अभी इस पर संदीप बालकृष्ण का आर्टिकल आया जो मैंने 30 साल पहले का, अगर 30 साल पहले
चाणक्य के समय के कोई इंटरव्यू खंगाले गए एशियाटिक सोसाइटी में, तो मैंने पहली बार कहा था कि नेजल ऑर्नामेंट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। चलिए और आता हूं, जब आप मुझसे बिंदी के लिए या नथ के लिए लड़ेंगे तो मैं ये पूछूंगा हिंदू महिलाओं से कि क्या उनको खुले बाल रखने का शास्त्र अधिकार देते हैं, अनुमति देते हैं? उत्तर है नहीं। वो कह रहे हैं हिंदू शास्त्रों के अनुसार आप खुले बाल नहीं रख सकती, क्योंकि उसके सांस्कृतिक, वो सांस्कृतिक प्रतीक है, उसके कुछ और अभिप्रेत है। मैं उसके उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरे कहने का मतलब, दो दिन पहले मैं चाणक्य यूनिवर्सिटी बैंगलोर में था और वहां एक इंडिक स्टडीज के विद्वान से मैंने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं। बोले, डॉक्टर यू कांट गिव, इंडिया इज एवर चेंजिंग, ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इज चेंज। और इस चेंज की बात मैं आपको बताता हूं, अभी इफ्फी में हमारी बात हो रही थी, पांचजन्य की एक फिल्म संयोग से, हमने तो वैसा नहीं सोचा था मगर शोध बड़ा था, वो इफ्फी के मंच पर पहुंची गैर फीचर फिल्म श्रेणी में। हम लोग सुबह मीरामार बीच की तरफ गए, मीरामार बीच के पास भैरूलाल जी की बड़ी प्रसिद्ध चाय की दुकान है, तो जो समाज चल रहा होता है उसे भैरूलाल जी समझते हैं, बदल नहीं सकते। अक्षय कुमार का बैनर था, मेरे पास फोटो है, राम सेतु का होगा शायद, नहीं वो दूसरा था, मगर अक्षय कुमार के बिंदी लगा दी गई थी। अच्छा, नो बिंदी नो बिजनेस। तो इसमें मुझे लगता है कि सिनेमा को समाज बार बार संकेत दे रहा है, किस ओर दे रहा है। ये हो सकता है कि उसमें थोड़ी कठोरता हो, थोड़ी रिजिडनेस आपको दिखाई दे, मगर समाज में ये खदबदाहट पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसे इतना आक्रोशित किसने किया कि वो अपने उसका अध्ययन चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी जितना ना हो, मगर वो अपने जिन्हें अपने मान बिंदु मान के बैठा है उसके बारे में कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, उसे इतना गुस्सा दिलाने का काम किसने किया है? मैं इस बात से 100% सहमत हूं। कैसे? मैं जीवन से उदाहरण देता हूं, क्योंकि उससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं हो सकती। पृथ्वीराज में कुछ ऐसा था जो मुझे पसंद नहीं था, हालांकि मैं उसका लेखक हूं। मुझे कुछ ऐसा कहा गया कि यह होना चाहिए, मैंने पहले विरोध किया। अब मेरे पास दो चुनाव है, या तो मैं फिल्म बनाऊं या फिल्म नहीं बनाऊं। तो मैंने तय किया कि फिल्म बनाते हैं, कम से कम मुझे इस इंडस्ट्री में पैर रखने की जगह मिल रही है। मेरे बाद जो फिल्मकार आएंगे वो इस तरह के विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हो गया, पर मैंने अपने निर्माता को एक पत्र लिखा, वो ईमेल पर है, जिस दिन किसी ने भी कहा मैं उसको दे सकता हूं। इसलिए नहीं कि मैं गलत या वो सही, या वो सही और मैं गलत। मैंने अपनी मन की भावना को व्यक्त किया और मैंने ये कहा कि समाज से तो राम भी नहीं लड़ पाए, इसलिए कि सीता का निष्कासन उनके मन में नहीं था, पर समाज ने कहा, समाज की व्यवस्था की रक्षा के लिए उन्होंने सीता का निष्कासन किया। तो मैंने कहा आप इस समाज से लड़ने की कोशिश मत करिए। तो मेरे निर्माता ने कहा, बट आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, आई विल नॉट अलाउ यू टू चेंज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द ऑडियंस। मैं ये पत्र बार बार लिखते रहा कि कृपया इसको हटाइए, क्योंकि मैं बहुत ही अशांत हूं भीतर से। और अंत में मैंने उनको कहा कि मैं इस फिल्म की सभी त्रुटियों के लिए जिम्मेदार हूं, मैं इस फिल्म की कोई भी असफलता होगी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन यदि किसी ने मुझे पूछा कि चंद्र प्रकाश ये तुमने कैसे किया, तो मैं उसके बाद मुझे मेरे प्रथम जो जिसको फर्स्ट असिस्टेंट कहते हैं कि सर फाइनली यू हैव वॉन, मतलब मैं जीता, वो चीजें फिल्म से हटा दी गई। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं ये बार बार कह रहा हूं कि हमें फिल्म वो बनानी है जो ये समाज देखना चाहता है। इस समाज की जो जिस संस्कृति की अवधारणा है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, लेट देयर बी स्पेस फॉर डायलॉग्स, इसलिए कि संस्कृति के संरक्षण में हम संस्कृति को विकृत या एकांगी न कर दें, ऐसा ना हो कि वो पत्थर में जड़ हो गई है। ये निरंतर बदलते रहने वाली है। जैसे कि मुझे माफ करना, मुझे 2 मिनट समय दीजिए। आपको 3 मिनट का समय। मैं जब मुझ पर भी ये आक्रमण हुए कि डॉक्टर साहब धर्म निरपेक्ष हो गए, सेकुलर हो गए, वो भी उन्हीं की तरह बातें करने लगे हैं, तो मैंने कहा भाई भारत का
कई हजार वर्षों का इतिहास है, इस देश ने महान परिवर्तन देखे हैं। यहां शक आते हैं, कनिष्क आता है, जिनके देवता दूसरे हैं, और बाद में यहां के वो शिव को स्वीकार करते हैं। एक ही परिवार में एक चंद्रगुप्त है जो अपने जीवन के अंतकाल में जैन हो जाता है, उसका पोता अशोक वो बौद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, हमारे यहां ये स्वतंत्रता हमेशा रही है, उसको हम जड़ न करें। मैंने कहा कि हम क्या करेंगे इस देश का, कमरा कमीज ये कोई हिंदी शब्द नहीं है, पुर्तगाली शब्द है। इस सभागृह में बैठे हुए संदूक बटन, संदूक ऑटो रिक्शा सारे के सारे, और सुरंग, जैसे मैंने ये कुर्ता पहना है, इसको हम सेमी भारतीय मान सकते हैं, लेकिन कुर्ता शब्द भी तुर्की है। क्या करेंगे इस शब्द का, कमरा जहां बैठे हैं तुर्की शब्द है। वही नहीं, जो आप रोज खाते हैं रोटी, रोटी शब्द तुर्की, और जो कभी कभी खाते हैं वो हलवा, वो हलवा वो भी तुर्क का है, तुर्की है। सब्जी पर्शियन शब्द है, तौलिया पर्शियन शब्द है। वही नहीं, जो सब्जी आप खाते हैं आलू भारत में नहीं थी, जलेबी भारत में नहीं थी, मिर्ची मावे की मिठाई भारत में नहीं थी, मिर्ची वंडर दैट वॉज इंडिया बाई एल बाशम, गुलाब लोग लड़ रहे हैं उसको, गुलाब भारत में मुगलों के साथ आया है, पर्शियंस के साथ। हम तो कमल की बात कर रहे थे। हाँ, हम कमल की बात करेंगे, हम कमल तो और ये मैंने रामानंद सागर जी से भी कहा था कमल की बात पे, उन्होंने मेरी एक दिन से मुलाकात हुई, बोले चंद्र प्रकाश कैसा लगा। मैंने कहा सर आपने जो कथा रची है वो अद्भुत रची है, पर मैं आपकी जगह होता तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जन्म पे चार गुलाब खिलते नहीं दिखा था, मैं चार कमल खिलते हुए दिखा था। नहीं, कमल को कमल मत समझिए, ये अष्ट कमल एक सांस्कृतिक अवधारणा भी है, हम दोनों उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, उसको भी समझ ले तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे पद्मनाभ, भगवान बुद्ध इनलाइटनमेंट का वो सांस्कृतिक प्रतीक है। मेरे कहने का तात्पर्य ये कि अब हम इसमें पढ़ेंगे पंजाब शब्द। कितनों को पता है कि पंजाब शब्द पंज आब, आब ये जल, ये पंजाब शब्द हिंदी का नहीं है ना, ये पंजाबी है। जो पंचनद था कभी, पंच पांच, पांच नदियों का क्षेत्र, आब पानी है, पांच पानी जहां पर मिलते हैं वो पंजाब है। तो और खरगोश, खरगोश हमारे जीवन, जिसके फारसी के हिसाब से कहें, जैसे हम अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन है, आई हैव ऑल ईयर्स, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, फारसी में कहते हैं हमातन गोश हूं जनाब, खरगोश में वही जो है जिसके कान, गोश मतलब कान, खर यानी गधे की तरह से हैं। संस्कृत और फारसी लड़ नहीं रही है, हम लड़ाई की बात नहीं, हम लड़ाई कम करने की बात कर रहे हैं, और जो लड़ाई थी उसके पीछे के जहर की बात कर रहे हैं। मैं तो विशुद्ध आतंकवाद के साथ बॉलीवुड के आतंकवाद की बात कर रहा हूं साहब। मैं तो ये बात भी कहता हूं कि जब शब्दों से भी हिंसा होती है, हिंसा जहां है वहां आतंक है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को धमकाना, क्षति पहुंचाना, हिंसक होना, सिर्फ रक्त गिरना ही, जैसे मजेदार बात है कि अहोम साम्राज्य में जिसको दंड दिया जाता था उसका रक्त न गिरे, उसे मारा मारा जा सकता है, उसको फांसी हो सकती है लेकिन रक्त न गिरे, ये भी एक कल्पना एक समाज की रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है संस्कृतियां पल्लवित होती हैं आदान प्रदान से। जो लोग ये आग्रह करते हैं कि उर्दू को इस देश से हटा दो, उर्दू इस देश की भाषा है भाई, उर्दू कहां से बाहर से आ गई। और मेरे मित्रों, अगर आपको उर्दू हटाना है तो उर्दू से ज्यादा क्षति तो हमारी अंग्रेजी भाषा ने की है। आज हमारा पूरा आंदोलन, और मैं यहां पर आप सभी साथियों को बताऊंगा। अच्छा, मैं एक बात, आपने उर्दू की बात कही, बॉलीवुड वाले बहुत उर्दू से आप लोग की बात करते हैं, तो मैं जरा उर्दू की ही बात करता हूं। एक बहुत बड़े सितारे थे, और जो भारत में जिनके स्वर का कोई सानी नहीं, उनसे कहा था कि इनके मुंह से दाल रोटी की बास आती है, यानी थोड़ा उच्चारण शुद्ध है, उर्दू निष्ठ नहीं है, वो संस्कृत निष्ठ है, इस बात की एक चिंता दिखाई देती है। मगर इसके साथ ही दूसरी चिंता नहीं दिखाई देती बॉलीवुड में, और वो
चिंता है कि आपके स्क्रिप्ट, आपके बोर्ड्स, वो जो सब अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, भाई कमाते हिंदी से हो, खाते हिंदी से हो, तो घबराते और कतराते क्यों हिंदी से हो? बिल्कुल सही है। मैं अपनी स्क्रिप्ट देवनागरी में लिखता हूं, अभी भी टाइप करता हूं देवनागरी में ही। मेरी पहचान ही है हिंदी बोलना। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तब भी लोग बोलते हैं वो जो सबसे ज्यादा हिंदी बोलता है। हिंदी का आग्रह मैंने हमेशा रखा है, और जिस बात को मैंने हमेशा कहा वो इस वर्ष भारत सरकार ने, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित भाई ग्वालियर शाहजहां ने, हाँ ग्वालियर, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, उन्होंने मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन को मातृभाषा में करने का प्रावधान ला दिया। अगले वर्ष से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की परीक्षाएं हिंदी में होंगी। तमिलनाडु ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि अब वहां के विद्यार्थी तमिल भाषा में मेडिकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन ले सकते हैं। सोचिए, इस देश ने 75 वर्ष इंतजार किया इस एक साधारण से, जो एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, जो 47 में हो जाना चाहिए था। जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं जो मेडिकल के अधिकतर शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लैटिन के हैं, वो अंग्रेजी भी नहीं है। करकट प्रोसेस, चूहे कौवे की चोच जो हमारे स्केपुला में है, अधिकतर शब्द लैटिन है। लेकिन हम लोगों ने कभी आग्रह नहीं रखा। हम लोग, मैं तो कई बार कहता हूं कि डॉक्टर साहब पर्चे के ऊपर ये RX क्या लिखा है, किसी ने पूछा नहीं? हाँ, नहीं नहीं, हाँ किसी ने, आई प्रिस्क्राइब दाई क्योर्स, दैट जो जिसने लिखा ना विष्णु के नाम, वो सही है। आई प्रिस्क्राइब दाई क्योर, मैं लिख रहा हूं। करने वाला कर्ता कर्विता तो मैं एक बात और कहता हूं। अपनी ये बातचीत लंबी तो थी मगर उसके साथ ही दिलचस्प बहुत होती जा रही है। एक इसमें कि जो लिबरल डिस्कोर्स की बात होती है, क्या वो सिर्फ अंग्रेजी में होगी या तथाकथित प्रगतिशील लोग होंगे वो कहेंगे और खाली एलीट मंचों पर कही जाएगी? इसका उत्तर मुझे आपने जो अभी उल्लेख किया, सरोकारों की जब हम बात कर रहे थे, आपने उपनिषद गंगा का जिक्र किया। मुझे लगता है कि आधुनिक समय के सबसे बड़े डिस्कोर्स, उनका उत्तर हमारे यहां पर है। जैसे नारी को अबला बताना और नारी की शक्ति की अवधारणा, सीता को सिंहासन देने की बात, या बॉडी शेमिंग की, अगर हम बात करें कि बॉडी शेमिंग बड़ा पश्चिम से आया हुआ नहीं, आपके यहां जनक की सभा में अष्टावक्र से जब कहते हैं तो वो कहता है कि हंसी किसकी उड़ा रहे हो। तो ये इन डिस्कोर्स को डायरेक्शन देने का काम ये सिनेमा कब करेगा कि नहीं इसके उत्तर संस्कृति में है? बहिष्कार नहीं, पर कोई और रास्ता ढूंढना होगा, दबाव बनाना। जैसे आपने देखा, बायकॉट से दबाव भी बना रहे हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि वो ट्वीट विड्रॉ हो गया, जहां हमारे समाज के लोगों ने इस बात को लेकर कहा कि सैनिकों का हम अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ट्वीट विड्रॉ हो गया। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि कोई एक ऐसी जमीन बननी चाहिए जहां हिंदी फिल्मकार, मुझे लगता है कि अब आने वाले कुछ सालों में सब जागे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी हिंदी फिल्में नहीं गिरी हैं। और बड़े से बड़े सितारे अब अगली फिल्म मैं कौन सी लूं इसके बारे में विचार कर रहे हैं, उनको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं उनको अभी भी कहता हूं कि भारत के मन की फिल्म चुन लो। नहीं नहीं, उनसे बोलो कि आप अपना शेर बोलो, गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, थोड़ी उर्दू भी हो जाएगी और गिरने के बाद आगे की कहानी भी हो जाएगी। और एक आप वो सतर्क हुए हैं? मैं खुद भी सतर्क हो गया। जैसे ऑनेस्टली जब मैंने पृथ्वीराज 2004 में पहली बार लिखा था तो मुझे लगा था कि हिंदी भाषा जो मैं बोलता हूं, जो चाणक्य में लिखी, वो मेरे लिए सहज है, वो मेरी अभिव्यक्ति की भाषा। और जब एक अफगानी के सामने पृथ्वीराज कहेगा तो कौन सी भाषा में कहेगा? तो मैंने ये शब्द लिखा था कि क्या इश्क गुनाह है। अब मैं इसको हिंदी में भी कहता हूं कि क्या प्रेम करना अपराध है। ऐसा मेरा मानना उस समय था, अभी ये प्रयोग मैंने किया नहीं है, कि
कि क्या इश्क गुनाह है, इसकी ध्वनि बेहतर है, या बेहतर होता कि क्या प्रेम करना अपराध है। तो कई बार हम शब्दों का चुनाव इसलिए भी करते हैं कि उसकी ध्वनि, दूसरी बात हम सेंटेंस को जितना छोटा, पर्दा शब्द, पर्दा वापस विदेशी शब्द है, इसका हिंदी है वातायन चकल्लिका। अगर मैं कहूं वातायन चकल्लिका, खिड़की, वातायन गवाक्ष, गवाक्ष नहीं समझेंगे लोग, खिड़की ये भी। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि हम लोएस्ट डोमिनेटर के लिए फिल्म बना रहे होते हैं, अंतिम आदमी के लिए फिल्म बना रहे होते हैं। अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा, जैसे मैं कई बार कहता हूं, जब बाहुबली आई तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ था, मैंने थिएटर में जाके देखी फिल्म और मुझे लगा कि भारत में उस समय उत्सव का वातावरण था। उसका कारण एक ये था कि पहली बार एक ऐसी फिल्म आई जो भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों को बिना किसी शर्म और हिचक के दिखा रही थी। किस तरह से शिव जी को वो कंधे पर उठा के ले जा रहा है, शिव जी को उसने एक झरने के नीचे रखा जिस पर शिव पानी गिर रहा है, तमाम फिल्म में संस्कृत में उनका पूरा गीत है। तो मुझे लगता है कि भारत के मन को वो कहीं छुआ। इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अनपढ़ नहीं कहूंगा, पर बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, सब सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बांद्रा जुहू के बाद दहीसर कहां है पता हो, नहीं पता है। और बहुत मैं, मेरा एक सहायक दुबई से पढ़कर आया था, बंगाली था, कोर्टयार्ड, आंगन 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 प्रांगण, वो पूरे स्क्रिप्ट में पढ़ रहा है, आंगन में ये हुआ, आंगन में ये हुआ, और उसने मुझे कभी नहीं कहा, उसके मन में चल रहा है ये कैसी स्क्रिप्ट है, एक ही आंगन में सारी शूटिंग होगी। उसको ये कल्पना ही नहीं है कि भारत में चार आंगनों वाले घर अभी भी बनारस में, राजस्थान में सामान्य से मिल जाएंगे। एक आंगन वाला घर तो मेरा भी है, तुम्हारा भी रहा होगा, राजस्थान में अभी भी है। तो मैं उसको इत्तफाक से आमेर फोर्ट ले गया और आमेर फोर्ट उसने सब देखा, और सब देखने के बाद मेरे पास आके कहता है, डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई हैड मेड एन ओपिनियन दैट व्हाट इज दिस स्टूपिड स्क्रिप्ट, आंगन आंगन आंगन, यहां पर तो 100 आंगन है। तो मैंने कहा, तुमको क्या लगा था मैं एक ही आंगन में शूट करने वाला हूं, यानी हमारे युवक की ये दशा है। उसने मुझे पहले ही आके पूछा, भाला का क्या मतलब होता है, ईमानदारी से। मैंने कहा, स्पेयर। मेरे कहने का तात्पर्य, असिस्टेंट रखने से पहले कोई टेस्ट लेते हैं या सिर्फ बॉलीवुड से होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं भाग्यशाली था कि मुझे मनन रावत नाम का एक उत्तराखंड का असिस्टेंट मिल गया जो मेरी तरह ही हिंदी, परंतु इसका भी संकट है। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे कहने में यह संकोच नहीं कि मैं कई बार जब कुर्ते पैजामे में फिल्मकारों के ऑफिस में जाता हूं तो वो बड़ी अजीब तरह से देखते हैं, कि उनको लगता नहीं कि हम लोग फिल्मकार हैं, और उनको डाउन मार्केट लगते। मुझे इससे कोई शर्मिंदगी नहीं आती, और मैं कई बार मजाक में कहता भी हूं, मैंने रतन जी को भी कहा था कि कुर्ते पजामे में अगर बिजनेस क्लास की कुर्सी की ओर जा रहे तब भी लोग रोक देते हैं कि कहां जा रहे हो, बाद में उनको पता चलता है नहीं, ये बिजनेस क्लास में यात्रा कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य, कुर्ता पजामा धोती, मैं तो धोती पहन के भी हवाई जहाज में सफर करता हूं, धोती पहना हुआ आदमी लंदन बिजनेस क्लास में कैसे जाएगा, मैं गया। तो हमारे मन में एक कल्पना बनी हुई है, जिसने फटा हुआ जींस पहन के रखा है, आधी पैंट पहन के रखी हुई है, वो बड़ा निर्देशक है। मैं जब रामगोपाल वर्मा नहीं, आप तो ये फ्रेम तोड़ते हैं, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूं, मगर आपने जो बात कही भाषा वाले में, खासतौर से आपने इश्क गुनाह है पर बड़ी गहराई में चले गए आप, प्रेम अपराध है क्या, नहीं होना चाहिए, और आखिरी व्यक्ति के बारे में सोच के आप सिनेमा में अंत्योदय कर रहे हैं, मैं मानता हूं, किंतु किंतु आप तो इश्क गुनाह है के बारे में भी इतना सोच रहे हैं, और दूसरे लोग जिहाले मिस्किन मुकुन बरंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई हमारा दिल है तुम्हारा दिल है, हमारा तुम्हारा और दिल के अलावा बाकी समझ ही नहीं आ रहा, वो तो बॉलीवुड कुछ सोच ही नहीं रहा, आप ही सारा सोच रहे हैं। मैं अधिकतर लोग जिनके पास बात करता हूं तो हमारे यहां का फॉर्मूला ये है, क्या इसमें रोमांस है, मैं नाम नहीं लूंगा, केतकर, मैंने शिवाजी पे खूब अध्ययन किया,
लोगों को पता नहीं, शिवाजी के जब विनय आप्टे जी, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर धारावाहिक बनाया था, उसके हिंदी में संवाद मैंने किए थे शिवाजी महाराज के। इस बार फिर इच्छा हुई, समय मिल गया था कोविड के दरमियान, तो मैंने रंजीत देसाई और बाबा साहेब दोनों को खूब पढ़ा। एक निर्माता ने मुझे कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर कुछ बनाना चाहिए। श्रीमान योगी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, श्रीमान योगी, वही पढ़ी मैंने। तो मैंने कहा ठीक है, तो बोले गिव मी 10 पेजर। 10 पेजर का मतलब आप पूरी कहानी को पॉइंट में मुझे दीजिए। तो मैंने उस सज्जन को 10 पेज शिवाजी महाराज पर दिए। आदिल शाह से शुरू किया था कि पहली बार उन्होंने जब गाय को ले जाते हुए देखा था तो क्या उनके मन में किस तरह के विचार आए थे। मुझे कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है, तो मैंने उनको एक दिन पूछा, और मैं धर्म को साक्षी रख के ये बात कह रहा हूं। मैंने पूछा, सर व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स, हाउ डू वी टेक इट फॉरवर्ड? तो उनको कहता, डॉक्टर मुझे समझ में तो आ रहा है यू आर टॉकिंग अबाउट हिंदू स्वराज्य, बट देर इज नो रोमांस, देर इज नो रोमांस इन द फिल्म। मैं स्तब्ध रह गया। मैं ये बात 2021 की कर रहा हूं कि हमारे देश में ऐसे सत पुरुष हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत के गौरव के कहानी में रोमांस हो सकता है, लेकिन क्या वास्तव में समाज वो देखना चाहता है? तो ऐसे में मैं पृथ्वीराज बनाकर निकल गया। मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। उपलब्धि उपलब्धि तो निश्चित है ही, वरना बहुत तेजस्वी लोग हैं हमारे यहां। दूसरा, आप यहां पर आए, आपने समय निकाला और इतनी गहराई से हमने भाषा की बात की, हमने भूषा की बात की, हमने संस्कृति की बात की, हमने संस्कृत की बात की, हमने उपनिषदों की बात की, हमने आतंक के को परिभाषित करने वाली हमारी दृष्टि और उसका प्रतिरोध, परिष्कार, परिमार्जन, अपनी गलतियों का करने वाला जो सांस्कृतिक दर्शन है उसकी बात की। आप अपने अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे लिए आए। मैं तुम्हें रोकूंगा, दो लाइन पढ़ूंगा, मैं बिल्कुल हस्तक्षेप करूंगा, फिर मैं दोबारा से दो लाइन बोलूंगा। अच्छा, हाँ। घुसपैठ पर कौटिल्य ने क्या लिखा है, क्योंकि उसी पर हम बात करने। बढ़ती आबादी और कई अन्य कारणों से घुसपैठियों की समस्या आज सारे राष्ट्र झेल रहे हैं, भारत ही नहीं और भी देशों में लोग आ रहे हैं। उनके अनुसार ये अनुमति नहीं देनी चाहिए, उनको हर प्रकार से वहां से निकालना आवश्यक है, निकालो इनको। किंतु किसी कारणवश अगर उनको रहने की अनुमति देते हैं तो उन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार के कर उनसे वसूलवाने चाहिए। उनके अनुसार हो सकता है कि ये घुसपैठिए सन्यासी, साधु या अन्य परिवेश में घुस आए हो, इसलिए अपने राष्ट्र के सन्यासियों के अलावा, ये बहुत महत्व की बात है, ऐसे नवीन पंथों को राष्ट्र की सीमा पर ही रोकना चाहिए। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद, वो इस्लाम के नाम पर हो रहा आतंकवाद है। क्या महर्षि रहा होगा कि उस समय भी उनको यह ध्यान था कि ये पंथ भी एक दिन घुसपैठ और लड़ाई का कारण हो सकते हैं। मेरी बात खत्म हो गई। यहां भारत माता का चित्र है और हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, मगर आपने चाहे अक्षय जी की बात की, चाहे अपनी बात की, चाहे रेफरेंसेस की बात की। मैं पूरे इस सभागार की ओर से उन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का अभिनंदन करना चाहूंगा, जिसे महाराष्ट्र में, जिनके लिए मैंने कहा था कि प्रतिपदा का चंद्रमा छोटा सा होता है किंतु जगत जानता है ये बड़ा बन जाएगा। चंद्रमा का तो अपना आलोक भी नहीं होता, मगर आपने जितनी मौलिक बातें की हैं, मुझे लगता है मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी से बात कर रहा हूं भाई। और जिनके मन में, बाकियों के मन में सिनेमा होगा, आपके मन में मां है, आज हमने इसका साक्षात्कार किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, आपने इतना रोचक और ज्ञानवर्धक सत्र को रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जितने लोग हैं उन्हें कई नई जानकारियां मिली होंगी। कौटिल्य पर तो बोलने ही नहीं दिया इसने मुझे, सिनेमा में ले गया। कई सेशन लगाने हैं और हम यहाँ पर ब्रेक लेकर विज्ञापन नहीं दिखा सकते, इसलिए वो सेशन फिर कभी। बिल्कुल। और हमारे बीच में इस समय सड़क परिवहन और उड्डयन राज्य मंत्री श्री वीके सिंह जी भी आ चुके हैं। जनरल वीके सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीके जी को भी मैंने अपनी फिल्म दिखाई है छत्तीसगढ़ में सर। और अब मैं अनुरोध करूंगी श्री सतीश मोट जी से कि वो मंच पर आए और चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी को सम्मानित करें। सतीश मोट जी प्रमुख समाज सेवी तथा प्रसिद्ध शिक्षाविद विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजर के डायरेक्टर भी हैं। मैं अपने मन की बात नहीं हो पा रहा हूं। जब मैं आया और यहां बैठा था, क्योंकि संघ परिवार के अधिकतर कार्यक्रमों में मैं 1990 से जा रहा हूं और कई बार मैंने शिकायत भी की कि हमारे यहां व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन आज पांचजन्य का यह कार्यक्रम देखकर मुझे लगा कि प्रोफेशनल एक्सेलेंसी हमारे कार्यक्रमों में हो सकती है। बधाई हितेश। थैंक यू।